सर प्रदीप, मैं प्रदीप दोबारा से आप सभी का प्रदीप मैथ्स में वेलकम करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 का पहला क्वेश्चन है साइन 18 अपॉन कॉस 72। पहला क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का पहला साइन 18 मैंने बोल रखा है, तो मैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो अगर 18 प्लस 72 अगर हमारे पास 90 होता है तो दोनों वैल्यू सेम होती है, तो इसका मतलब साइन 18 की वैल्यू कॉस 72 के इक्वल है। इससे ये कट करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, परंतु एकेडमिक में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा हमें लिखना पड़ेगा। इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72, 90 में से 72 माइनस करोगे 18 ही आएगा, इक्वल टू अपॉन 72 साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह 72 अपॉन कॉस 72, कॉस 72 से कॉस 72 कैंसिल, आंसर कितना बनता है, एक। दूसरा क्वेश्चन है 10 26 अपॉन कॉट 64। आप देखोगे 64 प्लस 26 90 हो रहा है, तो 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो 10 26 की वैल्यू कॉट 64 की क्या हो जाएगी, इक्वल, बिकॉज इन दोनों का एंगल का सम कितना हो रहा है 90, दोनों वैल्यू सेम है, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 10 90 माइनस कितना करोगे 26 को क्या लिख लोगे 64, 90 माइनस 64 अपॉन कॉट 64, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, थीटा की जगह 64 अपॉन कॉट 64, कॉट 64 से कॉट 64 कैंसिल इक्वल टू 1। उम्मीद कर रहा हूँ जो मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, आप आनंद उठा रहे हैं इन क्वेश्चनों का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड। अगला क्वेश्चन है, मैं बता चुका हूँ अगर 48 प्लस 42 अगर 90 हो रहा है, इन दोनों का सब 90 हो रहा है, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो कॉस 48 और साइन 42 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। यार सेम में से सेम माइनस करोगे तो क्या आना है, जीरो आना आंसर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस 42, 90 में से 42 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 48 आना है, माइनस एक को चेंज करो, एक को एज इट इज रहने दो, ये हो जाएगा कॉस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा की जगह 42 माइनस साइन 42, साइन 42 माइनस साइन 42 इक्वल्स टू। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कोसेक 31 माइनस सेक 59। आप देख रहे होंगे 59 प्लस 31 90 होता है, तो कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, तो इन दोनों का सम अगर 90 है तो दोनों वैल्यू सेम, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। अब थोड़ा तरीके से करते हैं, कोसेक 90 माइनस 59 माइनस सेक 59, कोसेक 90 माइनस थीटा बेसिक्स पढ़ा चुका हूँ, जो बेसिक जिन्होंने थीटा की जगह 55, जिन्होंने बेसिक नहीं पढ़ा है वो पहले बेसिक की वीडियोस देखें मेरी जो मैं पढ़ा चुका हूँ पहले, उसके बाद एक्सरसाइज में आए, डायरेक्ट एक्सरसाइज करोगे चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। मैं जो बेसिक पढ़ा चुका हूँ उसको एक बार देखो, बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज़ है। सेक 59, तो सेक 59 माइनस सेक 59 आंसर क्या आना है, जीरो। अगला क्वेश्चन हमने सो करना है, सो दैट 1048 1023 1042 1063 इक्वल टू 1, हमने सो करना है, सिद्ध करना है कि ये इक्वल टू 1 होता है। एक काम करना रहा हूँ, कर ले रहा हूँ, तुम लोगों ने ये क्वेश्चन उतार लिया होगा, मैं RHS को मिटा दे रहा हूँ, मुझे लाना कितना है 1 लाना है, मुझे दो बार लिखना पड़ेगा, इसको मैं LHS मान लेता हूँ। LHS एक बार बताओ इस उन चीजों को रिडो जिनको सम करने से 90 हो रहा है, 48 के साथ देख रहे हैं हम 42, इन दोनों को सम करोगे 90, तो मैं इन दोनों को एक साथ लिख ले रहा हूं, इन दोनों को देखो, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो क्या आ रहा है 90, तो इन दोनों को एक साथ ले रहा हूं। तो ये जो जोड़े बने हुए हैं इन दोनों जोड़ों में से एक को चेंज कर देते हैं, किसको चेंज कर, इसको चेंज कर लेते हैं,
90 माइनस क्या लिख लेंगे 42, 10 42 एट इज एज इट इज ये जाएगा 10 23, इसको लिख सकते हो 10 90 माइनस 20। मैं बेसिक पे पढ़ा चुका हूँ 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, कॉट 42 इंटू 10 42, 10 23 इंटू 10 90 माइनस थीटा पढ़ा चुका हूँ क्या होता है कॉट थीटा। जो मैं पढ़ा चुका हूँ वो चीज़ें समझ यहाँ पे यूज करना है। मैंने बोला है अगर जो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं उन दोनों का जो मल्टीपल हो जाता है वो क्या होता है 1 हो जाता है। जैसे कॉट का इन्वर्स 10 होता है तो कॉट इंटू 10 क्या हो जाएगा 1, कॉट इंटू 10 क्या हो जाएगा कॉट थीटा इंटू 10 थीटा 1, सिमिलरली 10 थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, ये हमने प्रूव करना था शो करना था इक्वल टू आर एच एस। उम्मीद कर रहा हूँ मैं जो समझा रहा हूँ आप समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कॉस 38 कॉस 52 माइनस साइन 38 साइन 52। मैंने बोला है अगर 38 और 52 का सम अगर 90 आ जाता है तो इस कंडीशन पे क्या होता है कि साइन और कॉस बराबर है। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। अब देखो इसको लिख सकते हो साइन 90 माइनस थर्टी एट को क्या लिख सकते हो 90 माइनस 52 माइनस इसको क्या लिख सकते हो कॉस 90 माइनस सॉरी साइन 90 माइनस 52 साइन 52। ये हमने जीरो प्रूव करना है। ये एलएचएस है आर एच एस मुझे जीरो लाना है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस 52 इंटू कॉस 52 माइनस साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस 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 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन क्या हो जाएगा 52 माइनस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 52 हो जाएगा साइन 52। दोनों वैल्यू सेम है तो सेम में से सेम माइनस होता है तो कितना आता है जीरो इक्वल टू आर एच एस। थोड़ी सी मिस्टेक पूरे क्वेश्चन को गलत करा देती है। थोड़ा मैंने कॉस की जगह साइन लिख दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। 10 2a इक्वल टू कॉट ए माइनस 18 तो 2a जो है वो एक्यूट एंगल है तो a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 10 2a को लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2 और cot a माइनस 18 एज इट इज रहेगा। cot से cot क्या समझना है कैंसिल हो जाएगा 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। यहाँ से तुम्हारा यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 3a इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10 एक माइनस से माइनस कैंसिल a की वैल्यू कितने आ जाएगी 36 3 3 9 3 6 18 ये तुम्हारा क्वेश्चन कह रहा है 10 इक्वल टू कॉट भी है तो प्रूव करना a प्लस बी इक्वल टू 90। गिवन है कि 10 इक्वल टू कॉट भी हमने प्रूव करना a प्लस बी इक्वल टू 90। मैं इसको लिख सकता हूँ कॉट 90 माइनस a, कॉट 90 माइनस a क्या हो जाएगा 10 इक्वल टू कॉट बी समझना है cot से cot कैंसिल हो जाएगा 90 माइनस a इक्वल टू बी। तो यहाँ से क्या हो जा रहा है a प्लस b इक्वल टू 90 जो हमने प्रूव कर लिया प्रूव हो चुका है। हेंस प्रूव क्वेश्चन 5 है कह रहा है sec 4a इक्वल टू cos a माइनस 20 और जो 4a है वो एक्यूट एंगल है न्यून कोण है तो a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। ये मिटा देता हूँ। sec 4a को क्या लिख सकते हो cosec 90 माइनस 4 हो जाएगा cosec cosec a माइनस 20। यहाँ दोनों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सेम हो गए cosec थीटा cosec थीटा
बताने बनाने की बात इतनी सी है कि दोनों फंक्शन सेम बनाने, कॉसेक से कॉसेक समझना है कि क्या है, कैंसिल है, ये हो जाएगा 90 माइनस 4 इक्वल टू ए माइनस 20। एंगल एंगल एक साथ ले लो तो ये जाएगा 90 माइनस 90 माइनस 20, ये जाएगा -4a माइनस, ये जाएगा -5a इक्वल टू क्या हो जाएगा -110। माइनस से माइनस कैंसिल, ए की वैल्यू कितना हो रहा है, ए की वैल्यू क्या आ रही है 5 2 10, 5 2 10, तो ए की वैल्यू क्या आ रही है 22 5 110। उम्मीद कर रहा हूँ जो मैं समझा रहा हूँ आप समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6 है, कह रहा है एबीसी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। ये कह रहा है कि एबीसी एक ट्राइंगल है जिसके अंतःकोण इंटीरियर एंगल क्या है ए बी सी है, तो शो करना है साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू कॉस ए बाय। तो अगर इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है ट्राइंगल के, 180 होता है, तो मैं सीधे सीधे क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 180। अगर बी प्लस सी की बात करते हैं तो 180 को माइनस क्या हो जाएगा ए, मुझे लाना क्या अपॉन टू, तो बोथ साइड में अपॉन टू कर देता हूँ, बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू 180 बाई टू क्या हो जाएगा 90 माइनस ए बाई टू। बोथ साइड टू से क्या किया डिवाइड किया, आगे बढ़ते हैं, दोनों दोनों साइड पे क्या ले लो साइन फंक्शन ले लो, क्या ले लेते हैं टेकिंग बोथ साइड साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, समझ में आ रही बात है, तो साइन ले लेंगे तो साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई टू, साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या है ए बाई टू। ये हमने क्या करना था, प्रूफ करना था, प्रूफ हो चुका है, हेंस उम्मीद कर रहा हूँ जो समझ रहा हूँ समझ रहे हो। मिटा दें सब, मिटा दें हसरतें आपकी कि फिर कोई चाहत अधूरी ना रहे, ऐसा दीदार करा दे आंखों को कि देखना कुछ बाकी ना रहे। cos 75 को हमने ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे रेशियो में चेंज करना है जिस जो किस किस के एंगल जो हो वो 0 और 45 के बीच में हो, 0 और 45 के बीच में हो, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं, जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है sin 67 + cos 75, इसको मैं लिख सकता हूँ sin 90 - 23 + इसको लिख सकते हैं, इसको ये लिखा, इसको ये लिख सकते हैं क्या, cos 75 को क्या लिख सकते हैं cos 90 - 15 degree। आप लोग देख रहे हो ये 23 है और जो 15 है ये किस किस के बिटवीन है, 0 degree और 45 degree के बीच में है, तो इसका मतलब जो कर रहे हैं हम अच्छा कर रहे हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, ये हो जाएगा cos 23। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, थीटा की जगह 15 तो साइन 15 degree, ये तुम्हारा आंसर है। उम्मीद कर रहा हूँ जो मैंने पढ़ाया आपको वो समझ में आ रहा होगा, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही वीडियो को बार बार देखिए, समझने की कोशिश करिए। उम्मीद करूँगा कि आप लोग इस चीज़ को समझोगे, रिवाइज करोगे, अगली वीडियो तक का इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए टेक केयर।